हे व्यूअर्स, की हालचाल? आई होप यार सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो व्यूअर्स यार, सुबह का टाइम हो चुका है 11:30 और अभी बस मैं नहा के फ्री हुआ हूँ। हालांकि लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइट तो चली गई थी बहुत पहले ही, मतलब कोई 20-25 मिनट हो गए। मैंने यार सर में लगाया था शैम्पू और मैंने सोचा क्यों ना फिल्टर वाले पानी से धोएं, तो जैसे ही यार लगा के छोड़ा तो उसी टाइम लाइट चली गई। फिर वेट किया काफ़ी देर तो अभी तो यार लाइट आई नहीं, तो फिर धो लिया। कोई बात नहीं, अब जैसे भी नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और बाकी यार आज का व्लॉग अभी तक आया नहीं है, लाइट नहीं है तो थंबनेल बनाना था, तो बस अभी वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, अगर लाइट आ जाएगी तो आ जाएगा टाइम से। वैसे तो बस थोड़ा सा काम है अपलोडिंग का, तो लैपटॉप में बैटरी थोड़ी कम है इसलिए मैं उसको ऑन नहीं कर रहा इस टाइम, अपलोड तो लैपटॉप से ही करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर रुक जाता हूँ और आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा उसके लिए भाई सॉरी, और तो क्या ही कह सकता हूँ मैं। बाकी यार थोड़ी बहुत बारिश हुई सुबह, जैसे मैंने आपको बोला था कि 24 को वेदर रिपोर्ट में बताया कि बारिश वगैरह होंगी, तो थोड़ी बहुत तो हुई है। बाकी देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। और आज सुबह यार काफ़ी एक सही सीन हो गया, मैं यहाँ पे गिरते गिरते बचाऊँ बताता हूँ ऐसा क्यों। साथ में अपना मैं सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, हालांकि लेट तो हो ही गया पर थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, बाकी फिर दोपहर में करेंगे लंच। और इस टाइम तक काफ़ी सही धूप निकली हुई है बाहर। यहाँ पे मैं अपनी बस थंबनेल अपलोड कर रहा था, तो यहाँ पे यार मैंने देखा कि मेरी 2-3 वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जैसे ये सबसे पहले ये तो मैंने अभी हटा दिया कैसे ना कैसे करके, अभी ये इन दोनों पे भी कॉपीराइट क्लेम है तो अभी इनको भी हटाता हूँ भाई। ये तो मजाक हो गया, मतलब जिंदगी के साथ क्या करें हम, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा। यहाँ पे सॉन्ग्स यूज किए हैं वो सारे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स हैं, लेकिन पता नहीं अभी यार यूट्यूब ने क्यों कॉपीराइट लगा दिया, या तो फिर अब मैं यूट्यूब को मैसेज करूँ ईमेल करूँ पर्सनली तब भी कुछ हो सकता है, या तो काम करता हूँ मैं इसमें जो सॉन्ग है जितना जितना पार्ट ये बता रहे उसको हटा के दूसरा कोई भी सॉन्ग लगा देता हूँ, लेकिन सारे जितने भी सॉन्ग अभी तक मैंने यूज किए सारे नॉन कॉपीराइटेड थे। अब ये क्या हुआ भाई वो तो पता नहीं। और बाकी यार थंबनेल ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है, बैटरी ऑलमोस्ट लैपटॉप में काफ़ी कम ही है, तो अभी जल्दी से यार कर देता हूँ सब कुछ, फिर लैपटॉप कर देता हूँ मैं क्लोज। लाइट यार गाइस बस जस्ट आ गई अभी, और बाकी अगर मैं लाइट बंद करके अगर आपको बाहर का मौसम दिखाऊं तो एकदम मतलब अंधेरा ही हो जाएगा, जस्ट अभी अभी आई है। बाकी लैपटॉप को मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, 3 वीडियो में कॉपीराइट थे वो हटा दिए हैं। इस टाइम यार मैंने लाइट बंद कर दिए पूरे मतलब कमरे की, और ये यहाँ पे अपना लैपटॉप आपको दिख ही रहा होगा। बाकी ये बाहर यार बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल ही बादल है। और साथ में गाइस यार ये जो नया वाला ऑल आउट है शायद आपको पता होगा, ऐसे मुझे नहीं पता है, कल निकाला तो तब पता चला कि इसमें यार ऑल आउट के साथ साथ मतलब ये अपना काम भी करता है, शायद साथ में इसमें नाइट लैंप भी है। दिखाता हूँ छोटा सा आपको टीजर, जैसे ये कर दिया मैंने बंद और ये कर दिया मैंने ऑन, तो इसकी जो रोशनी है रात को काफ़ी अच्छी हो जाती है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गिरने से बचाऊँ, तो यार ये है वो पुल अप बार है, ये इधर लगाया था और इस साइड से इधर, जैसे ही मैं जंप मारा ना तो ये यहाँ पे चेंज किया था हाइट के लिए, तो यहाँ से एकदम नीचे गिरा। पिछले साल जो मेरा बड़ा भाई है उसने भी यही काम किया था, उसने जंप मारा भागते हुए और डायरेक्ट इसको पकड़ा, और इसकी ग्रिप लूज होने के कारण भाई ये तो नीचे गिरा, बाकी उसको भी काफी अच्छी खासी चोट आ गई थी। दो तीन दिन तो पीठ में अच्छी खासी दर्द थी, अब क्या कर सकते हैं, पर चलो मैं बच गया। पर पता नहीं चला यार एक्चुअली इसकी ग्रिप क्यों लूज हो गई, तो दोबारा से भी इसको टाइट कर देता हूँ, इस टाइम हो गया है। बाकी वेदर रिपोर्ट बहुत ही सही थी, क्योंकि बाहर यार लगातार बारिश लगी हुई है जब से लाइट आई 1-1.5 घंटे से, और मौसम तो यार ठंडा हो ही चुका है। तो इसी के साथ यार गाइस लंच भी अपना तैयार है, ये रही अपनी दाल, साथ में इसमें है यार खट्टे चने जिसको यार हमारी अपनी भाषा में कहते हैं मानी, और यहाँ पर इसमें है रोटी यार, साथ में इतना पानी भर चुका है अपनी बालकनी में और नीचे भी काफी सही हो गया, तो बारिश काफी सही हो रही है। बाकी यार ये अपने प्लांट्स वगैरह, तो यहाँ पे यार टाइम हो चुका है 5:15 और बारिश हो रही है लगातार, तो काफी एक सनसनी खबर हो चुकी है। यहाँ पे कैमरामैन विपुल राणा के साथ रिपोर्टर भी विपुल राणा ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई काफी सही मतलब बारिश हो रही है, और अभी तक भाई बारिश ऐसे रुकी नहीं है,
तो बस अभी मैंने और मम्मी ने मिल के अपनी कॉफ़ी वगैरह पी, साथ में बिस्किट खाए, और अभी मम्मी इधर बैठी हैं पीछे फोटोज़ वगैरह देख रही लैपटॉप में पुराने पुराने। और बस तो मैं थोड़ी देर अपना पढ़ रहा था, तो आज मैंने मतलब लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में डाइस एंड क्यूब्स एक मस्त चैप्टर आता है, आज वो किया मैंने स्टार्ट। तो वो भी है काफ़ी इजी चैप्टर, उसमें 5-6 फॉर्मूला है, वो लर्न कर लोगे तो आपको आगे का जो क्या सीरीज वगैरह क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस यार वैसे तो बाहर मौसम भी कुछ खतरनाक है, मतलब बारिश ही हो रही है तो थोड़ा ठंडा भी हो गया है, और पंखे लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हाँ लाइट आ जा रही है तो वो तो कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस यार गाइस अभी थोड़ी देर घर में रहते हैं, देखते हैं मैं कुछ काम वगैरह करता हूँ, वीडियो एडिट नहीं किया तो अभी वैसे फ्री तो कर लेता हूँ, क्योंकि आज शाम को खेलने का तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी सीन ही नहीं बन सकता, ऊपर छत पर जाने का बने तो भाई वो अलग चीज़ है। रात के 8 और मैं बस अभी ऊपर गया था छत पे, पूरा पानी पानी से भरी हुई थी भाई छत भी, और बारिश मतलब थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, रुक गई थी वैसे काफ़ी हद तक। तो बस यार अभी अभी आया, अपने हाथ पैर धोए, मस्त एकदम फ्री हो गया, और मम्मी यहाँ पे करनी है अपनी पूजा, बाद डिनर का टाइम भी हो जाएगा तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट डिनर में या डिनर के बाद। तो ये यार यहाँ पे कर रही है मम्मी पूजा, और ये अपना मंदिर। तो ओके गाइस यार डिनर टाइम हो चुका है और टाइम हो गया है 9:15। ये रही अपनी डिनर स्पेशल थाली, तो ये है यार यहाँ पे स्पेशल गुजराती डिश, ये ही अपनी गुजराती स्पेशल, इसको बोलते हैं छाछ वाली सब्जी या छाछ वाली रोटी, दही बना के बनती है। ये रही अपनी आलू परबल, सेम आलू परबल, अपने अनियन वगैरह, और साथ में चपाती। तो कर लेता हूँ मैं अपना डिनर, यहाँ पे मेरा डिनर हो गया था और अभी टाइम हो चुका है 10:15 मतलब 10:15। तो बस अभी मैं थोड़ा अपना काम कर रहा था, थोड़ी वीडियो भी एडिट करनी और बाकी वोकैबुलरी का भी एक बार देख रहा था। तो आज का यार आपको वर्ड भी बता देता हूँ, आज का जो आपका वर्ड है वो है माउंट बैंक। तो यार ये काफ़ी एक अच्छा वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को मतलब ट्रिक कर देता है, मतलब उसको बुद्धू बना देता है और उससे जितने भी पैसे होते हैं वो सारे इंट लेता है, तो उसको बोलते हैं यार एक माउंट बैंक व्यक्ति या अ माउंट बैंक पर्सन। तो काफ़ी एक अच्छा वर्ड है, और ये आप अपनी मतलब रोज़ की लाइफ में भी यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि यार कोई ना कोई लोग ऐसे होते ही हैं, जैसे कि अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाओ तो किसी भी चीज़ का कोई दुगना तिगना दाम बता देते हैं, और यार आपको फिर बोल के वो पैसे ले लेते हैं, और वहाँ पे यार हम इतना सोचते नहीं और दे भी देते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। और इसी के साथ यार गाइस मेरा यहाँ पे दूध भी आ गया है, तो ये दूध पी लेता हूँ, काफ़ी गर्म है फिलहाल अभी तो, और दूध पी के वीडियो एडिट कर दूंगा और आपको सुबह फिर देखने को मिल जाएगी। आज का ब्लॉग बस यार इधर ही एंड करता हूँ, वीडियो पसंद है तो कर दो लाइक, चैनल पर चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब भी ना भूले, और साथ में लाइक शेयर कमेंट अगर कुछ यार ऐसा लगता है तो कमेंट किया करो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट है या कुछ ऐसा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिंदगी थोड़ी खास है भाई तुम्हारा झकास है, बाय बाय। ये रही अपनी दाल मिक्स वेजिट मैक, तो ये थी यार अपनी मिक्स दाल।